राजू बिस्टा। जी हाँ, मणिपुर के गोरखाली उद्यमी राजू बिस्टा का नाम आधिकारिक रूप से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने भाजपा को दे दिया है। माना जा रहा है कि राजू बिस्टा अब लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग से भाजपा के प्रत्याशी होंगे। राजू बिस्टा के बारे में यह बता दें कि राजू बिस्टा देश के जाने माने युवा उद्यमी में शुमार किए जाते हैं। गोरखाली समाज के मणिपुर से आने वाले इस युवा उद्यमी का नाम सूर्या रोशनी लिमिटेड के साथ जोड़ा जाता है। सूर्या रोशनी लिमिटेड के साथ उन्होंने बतौर सीईओ और वर्तमान में प्रेसिडेंट पद पर सेवा दी है। राजू बिस्टा पूर्वोत्तर राज्य में गोरखाली समाज के लिए, सुदूर क्षेत्रों में, गांवों में शिक्षा के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। मात्र 33 साल के, जी हां, 3 जनवरी 1986 में मणिपुर को पैदा हुए राजू बिस्टा कांगपोक जिले से आते हैं। उनके पिता का नाम विष्णु बिस्टा, माता का नाम पार्वती बिस्टा है। वर्तमान में वह वेस्ट पंजाबी बाग न्यू दिल्ली में रहते हैं। उसके अलावा सैनिकपुरा बी ब्लॉक, न्यू चुमटा, मातीगरा, दार्जिलिंग में भी उनका निवास है। माना जाता है कि आर्थिक रूप से सक्षम एवं गोरखाली चेहरा होने के कारण गोरखा जनमुक्ति मोर्चा एवं गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट दोनों ने मिलकर राजू बिस्टा के नाम पर आखिरी मोहर लगाई। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि राजू बिस्टा के अलावा अन्य कई गोरखाली प्रत्याशी भी रेस में शामिल थे, लेकिन अंत में बाजी राजू बिस्टा ने मारी।